ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर्दियाँ, ओके जी, आवाज अगर आ रही है ऐसे ही तो प्लीज बता दें, क्योंकि आज मैंने हैंड फ्री नहीं लगाए। यू स्टिल कैन हेयर मी वेल? अच्छा मुनीर, मुझे बता, अहमद मुझे ये बताओ कि जो कान में लगाने के बाद जो आवाज आती है, अभी जो आवाज आ रही है, इनमें से विच वन इज बेटर? दोनों सेम ही हैं, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई खास फर्क नहीं है। मैं भी लगा लगा के फिरता रहता था। एनी हाउ, सो हम लोगों ने जो है वो कल ही क्लास के अंदर, वी बेसिकली डेड व्हाट वी डिड बाय द वे, हमने क्या किया था, हम लोगों ने किया था मेजर द साइज ऑफ बिजनेस, है ना। और उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास देर आर डिफरेंट वेज टू असेस द साइज ऑफ द बिजनेस। अच्छा, और वो हम क्यों करते थे? वो हम इसलिए करते थे कि हम लोगों को ये एड्रेस करना था कि हम कर कैसा रहे, ठीक है, काम कैसा करें। अच्छा, कल मैंने अपनी वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर, थैंक्स टू अशर, उसने मुझे यूआरएल भेजा और मैंने अपनी जो वीडियोस थी वो देखी। और मुझे ये देखकर काफी परेशानी हुई कि वीडियो की क्वालिटी जो है वो बहुत बुरी है। मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं, शायद मैं इंतहाई को लो रेजोल्यूशन के ऊपर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट स्पीड वी हैव हियर, ठीक है ना। और इस वजह से फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट पर नो सारी कि अपलोड भी नहीं होती। अच्छा सारी अपलोड भी नहीं, मेरा ख्याल है सारी अपलोड हुई हुई है। अच्छा, नहीं है, कहाँ से, अब कौन सी अपलोड नहीं हुई, जरा डेट्स बताओ ताकि मैं इन लोगों से बोलूं कि दे ऑलरेडी हैव ऑल दी। मैं कॉलेज को काफी बार बोल चुका हूँ तो बोलते वो रिकॉर्ड नहीं हुई, या इंटरनेट प्रॉब्लम है, या वो मतलब करप्ट हो गई है फाइल इस तरह। अच्छा, तो यार मुझे जरा बताओगे कौन कौन से हैं ऐसी जो अपलोड नहीं हुई भी। अच्छा, व्हाट आई एम डूइंग, मैं तकरीबन अब नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, इट्स नॉट फॉर योर मिड टर्म एग्जाम, मैं मिड टर्म एग्जाम को इतना ज्यादा उसके लिए मैं कोई काम करने के मूड पे भी नहीं हूँ, लेकिन व्हाट आई वांट टू डू इज दिस के जो आप लोगों की मटेरियल जो है वो आपके CIE के लिए हर चीज अवेलेबल, ठीक है। सो इफ यू जस्ट कैन, इफ अहमद यू कैन डू इट और एनी वन एल्स कैन डू इट, तो इट्स टोटली अप टू एनी वन कि मुझे ये बताएं कि कौन सा लेक्चर जो है वो ऑनलाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सही है। सो व्हाट आई डू इंस्टेड के मैं हम उसके रिवीजन लें, व्हाट आई डू, आई आई बेसिकली ट्राई टू रिकॉर्ड इट बाय माय सेल्फ एंड गिव इट टू यू गाइस, सही है, सो दैट जितनी भी चीजें आप लोगों के मिस हो गई हैं वो आप लोगों को कवर हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, इजी पीजी, ठीक है। तो इस चीज को जरा मुझे थोड़ा सा, मुझके आई हैव नो क्लू, आई हैव सीन फ्यू। अच्छा, दूसरी चीज मैंने देखी और इट इज रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि मैंने बाकी टीचर्स का भी देखा, ठीक है, मैंने अकाउंट्स का भी देखा, मैंने इकोनॉमिक्स का भी देखा, सर काबिर का भी देखा, मैंने केमिस्ट्री के टीचर का भी देखा, मैंने फिजिक्स के टीचर का भी देखा, एक और कोई मैथ्स के टीचर है उनका भी देखा। नोबडी शोज देमसेल्फ्स इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, वो सिर्फ डायरेक्टली स्क्रीन ओपन होती है और धड़ 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 पढ़ाना शुरू करते हैं। इज दैट सो, इज दैट राइट, या कुछ मैंने वीडियोस ऐसी देखी है? हाँ सिर्फ आप अकेले सर, पहले कंप्यूटर के जो सर थे वो पहले करते थे, हाँ उन्होंने छोड़ दिया था, आप अकेले जो वेबकैम खोलते हैं। अच्छा, मकसद कैम के साथ मैं आके जो बात कर रहा होता हूँ, आई एम द ओनली वन। सो डू यू थिंक इट्स फाइन कि मैं सामने आके बैठकर आपसे बात करता हूँ, या वो दूसरे टीचर्स का ज्यादा इफेक्टिव है? वो लोग भी सोच रहे हैं कि कैमरा खोले ताकि ज्यादा इफेक्टिव रहे, सर नहीं, कामिल विच वन वगैरह इज मोर बोलते इफेक्टिव? थे, ये देखो, ज्यादा उन सही लोगों का रहता। पढ़ाने का तरीका ये है कि वो आते हैं, वॉइस ओवर होती है, स्क्रीन आपके सामने खुल जाए, व्हाट आई हैव सीन, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि वो माइट बी पॉसिबल दे वर द ओनली फ्यू लेक्चर्स जिसमें उन्होंने किया हो, या थ्रू आउट वो ऐसे ही करते हो। मुझे इफेक्टिवनेस देखनी है, क्या ये इफेक्टिव है कि स्क्रीन ओपन करें, मेरे बैक पे जो है, स्क्रीन के बैक पे मेरा वॉइस ओवर चल रहा हो और आपसे सारा 1 घंटा जो है मैं बगैर आप लोगों को
फेस की है, मतलब आप लोग तो मुझे देख रहे हो लेकिन मैं आप लोगों को नहीं देखा, लेकिन आई जस्ट अज्यूमिंग कि आई कैन सी यू गाइस। सो और बाकी टीचर्स का जो सिलसिला वो कुछ इस तरह से कि दे ओपन अप द स्क्रीन जिसमें उन्होंने लिखना होता है एंड दे स्टार्ट टॉकिंग एंड बात करना शुरू कर देते हैं। On the contrary, what I do is first I discuss every single thing in front of you, and then what I say is what I write. Then, so which one is better? We have, by the way, Harim Vakar or Harim, who is here today, coming. 8:12. बस वही खुशी के कुछ दिन कुछ ही लम्बात होते हैं जो हरीम ने दिए होते। Okay, so kindly mujhe just tell me ke which like it's is it fine ke I sir your way is more nahi if it is sahi hai to acha theek hai samajh aa gaya fine theek hai na bhai thank you so it's like more like ke I should be in front of you discussing the concept first और सीधी बात है should I say this or not? वो सब का सब नींद में लगते हैं सब का सब बैठे अब हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं कि ये चीज हमारे पास है इस चीज को अब हम लोग इस तरह से देखना है वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं like, मैं तो सो जाऊंगा तो I really don't know, should I? एक दिन ना मैं भी ऐसी क्लास लेके देखूंगा I took two evening classes like that. उस वक्त I was not in a situation जहां पर I was able to open up the camera and I just open up the sir I was connected disconnected. Okay, कोई बात नहीं तो I did twice evening class में मैंने किया था लेकिन इतना मुझे guilty feel हुआ था जैसे बात नहीं मैंने तो सामने आया ही मैं तो बता ही नहीं तो like अगर मैंने स्क्रीन बंद की भी हो ना सर मैं तो उठा भी अभी आंख बस आंखें खुली हो या हो बंद सही है अशर साहब के साथ तो ये वाला गाना शुरू हो गया आंखें खुली हैं तो मेरा दीदार हुआ है ओए होए अल्लाह मेरे मालिक अशर क्या दिन आ गया यार आप पे आप किसका दे ओ भाई थोड़ा सा हौला हाथ रख लो उठ के मेरा दीदार भी करो ठीक है किसी का जो है वो वॉलपेपर लगा लो ताकि दिन अच्छा उधर सही है एनीहाउ सो अब हम लोग करते हैं इस तरह से कि हम लोगों ने जो बात की थी लास्ट क्लास के अंदर अबाउट और हाँ एक और चीज मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी और वो अजीब ये लगी कि सिंस बाकी सारे टीचर्स क्योंकि स्क्रीन ओपन करते हैं तो स्क्रीन इज देयर When video का जो logo बना हुआ है that is there क्योंकि मैं open ही अपने आप से करता हूँ तो मेरी अजीब कैसे शक्लें बनी हुई है एक वीडियो है जिसमें मेरी शक्ल यूं बनी है नहीं like I was that is a thumbnail सही है and I like this मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कौन सा बंदा thumbnail ही change कर देता है यार इस चीज का तो मैं काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग थी वो चीज कोई बात नहीं क्योंकि बेसिकली जो थंबनेल बनती है वो पहले 10 सेकंड वीडियो की क्वालिटी कॉलेज वाले सेट कर सकते हैं जब अपलोड कर रहे होते हैं ना YouTube पे तब क्वालिटी खुद ये लोग सेट करते हैं तो अगर ये लोग क्वालिटी हाई रखें तो आपकी क्वालिटी सही आएगी हां मैं यही पॉइंट है कि दरअसल सिंस देयर आर सो मेनी लेक्चर्स गोइंग ऑन पैरेलली सो दे बेसिकली आर अनएबल टू फाइंड टाइम टू गो एंड जस्ट एडजस्ट द रेजोल्यूशन एंड सेट द क्या नाम है इसका थंबनेल वगैरह थंबनेल लेकिन वही बात है कि अगर एक बंदे को यही अच्छा यही एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल बन गई है आपकी जॉब एनरिचमेंट की सही है जॉब एनरिचमेंट में किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को बताया गया होगा भाई तुमने ये काम करना है उसका ये काम करना है फुल स्टॉप सही है
तो उसका काम ये है कि एज सून एज द लेक्चर एंड्स उसे उठा के उसको उठाए क्लिक करना और क्लिक करना है, खत्म। उसको तीसरी चीज आती ही नहीं है, उसको इवन ये कंसिडरेशन नहीं है कि आया थ्रू आउट द वीडियो इज देयर अ लैग, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो देखी है, देयर आर सर्च व्यूज कौन से ज्यादा है, मुश्किल से 10 भी नहीं आते। हाँ, मकसद वही चीज है। देखो व्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ मेनी ऑफ यू आर रिविजिटिंग दैट पेज, सही है। असल में ये 10 या 12 व्यूज का जो काम है ना, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि ये वो बच्चा है शायद जिसने वो क्लास मिस की हो। तो अगर मेरी क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर मोमेंट पर 25 स्टूडेंट्स हैं और 10 ने इस वीडियो का व्यू कर लिया, तो आई एज्यूम कि वो 35 की लॉट जो है सबने देख लिया, ठीक है। तो इट इज हार्डली एनीवेयर कि आपने क्लास ले भी ली हो और आपने जाकर उसको जाकर रिव्यू किया हो। मुझसे इतना कौन पढ़ता है यार, मुझसे सीरियसली मुझे काइंडली बताएं कौन से लेक्चर्स अपलोड नहीं, कौन से टॉपिक के लेक्चर्स अपलोड नहीं है, सही है। सो जिस टॉपिक के अपलोड, क्योंकि आई रिमेम्बर मेरे ख्याल से अहमद ही था या कोई और बच्चा था जिसने मुझे कहा था सर कुछ लेक्चर्स अपलोडेड नहीं है। मैंने कहा नहीं हो जाएंगे, एंड आई लिटरली आस्क्ड द एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेक्चर्स अपलोड नहीं है वो कर दें, तो दे सकते हैं आप ही देना। हाँ, तो मैंने बकायदा उनसे पूछा भी था, उन्होंने कहा था सर जो मिसिंग है वो हम अपलोड कर देंगे, बट राइट नाउ आई गॉट टू नो के दे वर नॉट इवन अपलोडेड बिकॉज दे डोंट हैव इट। सो मुझे काफी सारे मैंने उनसे अपलोड करवाए थे कॉलेज वालों से ना, तो काफी सारी डेट्स बता के उनको मैंने अपलोड कराए थे, उसके बाद फिर भी थे जो उनसे उनके पास थे ही नहीं, या रिकॉर्ड नहीं हुए थे, या बारिश की वजह से आप लोग ने पर्सनल क्लास ली, बोलो यानी हॉस्ट लीव हो चुका था या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, बिल्कुल मानता हूँ लेकिन होनी चाहिए, कंटेंट तो ऑनलाइन होना अवेलेबल चाहिए ना। मतलब इफ समबडी वांट्स टू जस्ट गो थ्रू द रिवीजन थिंग तो व्हाई नॉट। तो इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे वो डेट्स ना बताओ, क्योंकि आई हैव नो क्लू मैं उस डेट पे क्या पढ़ा रहा, सही है। मुझे टॉपिक पढ़ाओ, बताओ कि सर दो थ्योरीज हैं, तीसरी थ्योरी नहीं है, सही है। सर आपका जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो है वो लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस से जो पहले वाला लेक्चर था सर जिसके अंदर आपने ट्रेनिंग्स करवाई थी सर वो अवेलेबल नहीं सर कहीं, तो मुझे वो टॉपिक बताओ कौन सा टॉपिक अवेलेबल नहीं है। जो टॉपिक अवेलेबल नहीं होगा मैं उसके ऊपर बात कर लूंगा। अच्छा अली, ऑन द कॉन्ट्ररी अली, मैं एक चीज आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में जो वीडियोज अपलोडेड हैं दे आर देयर फॉर योर रिविजन, सही है। सो यू जस्ट गो थ्रू एंड स्टार्ट viewing them as many times as you want, तो उसमें इतना कोई मसला नहीं होगा। हाँ, on the contrary, अगर आप कोई एक specific topic मुझे बता दो जिसको मुझे revise करवाना है कि सर मुझे जरा production method जरा समझा दें सर समझ नहीं आया, सर मुझे stock management समझा दें मुझे समझ नहीं आया, possible, सही है। So this is humanly possible. तो on the contrary मैं topic wise, सही है, कुछ वीडियोस पे काम करना मैं शुरू करूंगा, नॉट फ्रॉम दिस वीक, फ्रॉम नेक्स्ट वीक। और सर जी मी टू तो बस हम दोनों का कनेक्शन हो गया एक, सही है, अली और मेरा कनेक्शन हो चुका है, बस दुनिया चलेगी इस कनेक्शन को देखकर एक <जगे. laughs> ठीक है। सो अब हम जरा बात करना शुरू करते हैं व्हाट वी बेसिकली हैड। अच्छा, अब जो हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा मुझे जरा सर स्टॉक मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस दोबारा पढ़ा दीजिएगा, ठीक है मैं दोबारा करवा लूंगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आई एम जस्ट गेटिंग इन्फॉर्मेशन, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से जहां जहां मेरा ASM है हर जगह से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सो दैट आई नो के आई शुड बी फायदा हो रहा हो, मतलब they basically engage themselves। अच्छा, दो तरह की videos होती है, एक video वो होती है जैसे इस वक्त ये lecture चल रहा है, lecture चलेगा और screen आएगी, सही है। एक होता है कि मैं यहाँ बैठा हुआ बात कर रहा हूँ और मैंने इधर हवा में कुछ लिखा हुआ आ रहा हूँ, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने बात की जॉब प्रोडक्शन की,
चॉप प्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब मैं उसकी बात करूंगा, देयर आर एडवांटेजेस, तो मैं यहाँ बैठा हुआ बात करूँ, एडवांटेजेस यहाँ पर लिखे हुए आए हुए होंगे और मैं एक एक से समझा रहा हूंगा। सो विच वन यू थिंक इज मोर, द फर्स्ट वन, द वन द वे वी आर स्टडिंग राइट नाउ इस तरह से, या द सेकंड वन जिसके अंदर जो चीज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हल्की फुल्का से जो उसको पॉइंटर्स होंगे साथ साथ लिखे। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द स्क्रीन, आई विल बी ऑन दिस ऑन द वीडियो थ्रू आउट, सही है। इट्स जस्ट लाइक मैं इस तरह से वीडियो के इस कोने पे इस तरह से होऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है जिस तरह से अभी पीछे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस तरह से नहीं सर, इज गोइंग टू बी व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर या ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर चीजें लिखी भी आ रही होंगी, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, और यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वेंट फॉर द एडवांटेज, ओके नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ चॉप प्रोडक्शन, एडवांटेजेस सारे का सारे एडवांटेजेस देखे हुए आगे, मैं एक एक करके हर एक को समझाना शुरू कर दूंगा। विच वन यू थिंक इट्स बेटर वे, फर्स्ट वन द सेकेंड वन? The way first one is the way we basically are doing. My video hogi, video band ho jayegi, phir screen khul jayegi, main likhna shuru kar dunga, phir wapas aa jaunga, and so on and so on. Is that? ठीक है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं उस तरह से पढ़ते पढ़ते I'll just discuss everything and then I close the video and open what is there, और अगर उसमें even handwritten भी ना हो और वो से typed भी हो would that be fine? It's kind of a slideshow kind of a thing. Handwritten is better. अच्छा एक काम करते हैं, what I do, मैं एक टॉपिक का, सही है, मैं दोनों वर्जन में, एक टॉपिक में मैं एक वर्जन को इस्तेमाल करके और दूसरे टॉपिक में मैं दूसरे वर्जन को इस्तेमाल करके ये दोनों जो होंगे मैं इसको आप लोगों को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, सही है। Tell me which one you think is better. सही है, मकसद अगर जैसे अभी हरीम ने बात की सर प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है आप और स्टॉक मैनेजमेंट को रिवाइज करवा दे तो ठीक है मैं करवा देता हूँ। अब करते हैं इस तरह से कि जैसे जॉब प्रोडक्शन, सही है, अब जॉब प्रोडक्शन को ओरिजिनली मैं ग्राफिक्स के साथ पढ़ाऊंगा और बैच प्रोडक्शन को मैं स्लाइड शो के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी कि मैं पहले समझा दूंगा और फिर स्लाइड शो आ जाएगा जिसमें सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखे होंगे, जस्ट गो एंड राइट इट डाउन, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और तीसरा जो है वो नवेरा वाली बात आ जाएगी कि मैं फ्लो प्रोडक्शन को फॉर एग्जांपल हैंड राइटिंग के तौर पर समझा, ठीक है। जस्ट लुक एट इट एंड गिव मी द फीडबैक के व्हिच वन यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि एक चीज, और यही चीज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं करूंगा, सही है, यही चीज मैंने एडिन के साथ भी करनी है, यही चीज मैंने अल्फा में भी करनी है, यही चीज मैंने जो है सेप्टर में भी करनी है, और यही चीज मैंने जो है सिटी में भी करनी है। तो मुझे उनमें से सबसे जो मोस्ट फ्रीक्वेंट रिस्पांस मिलेगा आई विल बी गोइंग, ठीक है जी। सो एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे कोई मैसेज आया है, ओके जी, इसका मतलब ये है फाइन, ओके सर इकोनॉमी स्केल, ओके चलो। हाँ मैं पहले जरा एक डेमो के तौर पर, वरना कोर्स तो मुझे शुरू से ही स्टार्ट कर,
ओके जी, हम लोगों ने बात की थी इन टर्म्स ऑफ साइज, मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस. कल हम लोगों ने 5-6 फैक्टर्स लिखे थे. रेवेन्यू लिखा था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा था, हम लोगों ने मार्केट शेयर लिखा था, हमने प्रॉफिट लिखा था, हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखा था जीपीसी, ठीक है. तो और दोनों के फॉर्मूले भी एग्जिस्ट कर रहे थे. अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ मेजरिंग द साइज, देयर आर सर्टेन इश्यूज, ठीक है. और आज हमने वो इश्यूज की बात करनी. मकसद, इफ दिस इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, इतना आसान तो नहीं होता साइज को मेजर करना, मस्ट बी देयर सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज जो हम लोगों को जहन में रखनी है और आती भी होंगी. आइए जरा उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं. पहला हमारे पास था सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि सेल्स यानी प्रोडक्शन कितनी हो रही है. याद रखो कि हमारे पास बाज ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो बहुत स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बना रहे हो, सही है, और बाज ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत जनरलाइज्ड होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ जनरलाइज्ड होते हैं. कौन सा ज्यादा मार्केट में बिकेगा, जनरल प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा या स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, मुझे जरा कोई बताए. जनरल प्रोडक्ट, एक आम यूज का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकेगा मार्केट के अंदर, या एक बड़ी स्पेसिफिक तरीके का काम करने वाला प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिकेगा? एनीवन? जनरल, बिल्कुल सही, जनरल, दैट्स पॉइंट, सही है. जो जनरल यूज का प्रोडक्ट होता है, जनरल प्रोडक्ट होता है, उसको कहते हैं मास मार्केट, मास मार्केट, ठीक है. मकसद कहने का ये है कि वो मास मार्केट का, दो तरह के मार्केट्स होते हैं, एक मास मार्केट होती है जो कि जनरल यूज की होती है, जो आम यूज की होती है, ठीक है, और एक होती है स्पेसिफिक मार्केट जिसको कहते हैं नीश, NICHE, नीश, सही है. अब उसको नीचे बोल दो या नीचे बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन स्पेलिंग यही होते हैं NICHE, नीश, ठीक है. सो अब अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो अनफॉर्चुनेटली क्या नाम है इसका, नीश मार्केट के अंदर है, सही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरे मशीन बना रहे हैं, ठीक है, अब एक्सरे मशीन बना रहे हो तो ये बड़ा स्पेशलाइज प्रोडक्ट है. अब एक एक्सरे मशीन आपने बनाई है तो तकरीबन कोई 20-25 लाख रुपए की वो एक्सरे मशीन होती है, 20-25 लाख रुपए की, 2.5-3 मिलियन की वो सिर्फ एक एक्सरे मशीन होती है. मकसद, एक एक्सरे मशीन बनाई 30 लाख रुपए आ गए, दो बनाई 60 लाख रुपए टोटल हो गए, सही है. यानी ये दो यूनिट बनाने पर 60 लाख का आपने टोटल सेल्स रेवेन्यू आपने जनरेट कर. कंपेयरिंग दिस बिजनेस विद बिजनेस लाइक जो सिरिंजेस बनाते हैं, इंजेक्शंस बनाते हैं, सही है. अब इंजेक्शन जो है दैट इज मोर ऑन अ जनरल यूज एज कंपेयर टू एक्सरेस, हैं दोनों के दोनों हॉस्पिटल के काम, ठीक है, दोनों ही जो है वो मेडिकल साइंसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं. लेकिन कैन वी, और वो उसमें एक इंजेक्शन कितने का बिकता है, एक इंजेक्शन मैक्सिमम 10 रुपए का बिकता है, ये 15 रुपए का बिकता है. अब 15 रुपए के एक इंजेक्शन को कितने इंजेक्शन बिकने चाहिए कि 60 लाख का रेवेन्यू निकाले, समझ रही बात. तो अगर वो तकरीबन कोई 60 लाख का कह रहा हूं, सही है, अगर वो दो इंजेक्शन बनाता 30 रुपीज आते हैं, वो चार इंजेक्शन बनाता हूं तो 60 रुपए आते हैं, सही है. और इसका मतलब ये है कि चार को अगर मैं 4 लाख से मल्टीप्लाई करता हूं, सही है, सॉरी, चार के लिहाज से 4 लाख करता हूं तो 60 लाख, सही है. तो मुझे 4 लाख यूनिट्स बनाने पड़ेंगे ताकि मैं बैठकर 60 लाख रुपए बना सकूं, सिंपल सी बात है. अब एक यूनिट दो एक्सरे मशीन बनाओ, 60 लाख रुपए मिल गए, सही है. और मैं प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम, नहीं प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम है लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी ज्यादा है, मतलब कितने सारे आपको यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, सही है ना. तो यही चीज आती है सबसे पहली चीज सेल्स रेवेन्यू के अंदर, भाई कि सेल्स रेवेन्यू जो है वो, चलो हम इसकी एग्जाम्पल नहीं लेते, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वॉल्स की आइसक्रीम की वर्सेस बास्किन रोबिंस की, दोनों आइसक्रीम्स हैं, एक नीश में एक मास में. बास्किन रोबिंस का एक कप जो है वो 280 रुपए का, 280 रुपीज का एक स्कूप है, ठीक है, 280 रुपीज का एक स्कूप. अब वो 280 रुपीज के एक स्कूप, वो पैसे मैंने दिए एक स्कूप के, ठीक है, भरा मान लिया, और मैं 160 रुपए 160 रुपीज में मैं लीटर आइसक्रीम लेकर आ सकता हूं
ऑफ वॉल्स, पूरा खानदान खा सकता है. दैट इज द डिफरेंस. सही है. मास मार्केट के अंदर यूनिट बेचना आसान है, रेवेन्यू जनरेट करना आसान है एज कंपेयर टू नीश मार्केट. लेकिन नीश मार्केट में कम यूनिट बेचकर आप ज्यादा बना सकते. समझ आ गई. तो इसका मतलब यह है कि सेल्स रेवेन्यू को चेक करने से पहले या कंपेयरिंग द साइज करने से पहले सबसे पहला जो आपने फैक्टर देखना है कि जिन दो बिजनेसेस के साइज को आप कंपेयर कर रहे हो, याद रखें कि इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी या एक्सरे बनाने वाली कंपनी, बास्किन रोबिन या आपकी लोकल वॉल्स. सही है. ये दोनों कंपेयर करने से पहले ये जहन में रख लो कि भाई दोनों मास में हो या दोनों नीश में हो. सही है. अगर दोनों मास में होंगे तब हम कंपेरिजन कर सकते. मकसद वॉल्स वर्सेस इग्लू, थम्स अप. सही है. एक्सरे बनाने वाली मशीन ए कंपनी ए, एक्सरे बनाने वाली कंपनी बी. ओके, नाउ वी कैन कंपेयर. इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी ए, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी बी. ठीक है, इनके दरमियान कंपेरिजन चलते हैं ताकि आप लाइकली बिजनेसेस के साथ कंपेयर करें रादर के आप किसी एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट को कंपेयर करना शुरू कर दें इंतहाई एक जनरल पर्पस यूज के साथ. समझ आ गई. देयरफॉर अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार सेल्स रेवेन्यू ज्यादा है तो ये बड़ा बिजनेस है, पहले ये देख लो कि वो मास में है या नीश में. हो सकता है मास वाला बिजनेस ज्यादा चीज प्रोड्यूस कर रहा हो लेकिन उसका उतना सेल्स रेवेन्यू ना हो. सही है. सो ये पहला तो हम लोगों को ये असेस करना है कि दोनों को सेम नेचर ऑफ मार्केट में होना लाजमी है. पहली चीज क्लियर. समझ आती है चीज. नंबर टू इसके आप बता नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. एक कंपनी कहती है मेरे पास 600 एम्प्लॉइज है, दूसरी कंपनी कहती है मेरे पास 60 एम्प्लॉइज है. अब हमें तो ये मालूम है कि जहां ज्यादा एम्प्लॉय होंगे वहां पर वो साइज बड़ा होगा बिजनेस का. ठीक है, लेकिन वो 600 एम्प्लॉइज जो है वो एक कंपनी के हैं जबकि 60 एम्प्लॉइज जो है वो दूसरी कंपनी के हैं, और जो 60 एम्प्लॉइज हैं वो है कैपिटल इंटेंसिव. यानी हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों कंपनीज जो हैं उनका फैक्टर इंटेंसिव सेम है या नहीं है. मकसद कैपिटल इंटेंसिव शुड बी कंपेयर्ड विद कैपिटल इंटेंसिव, तब बात बनती है. लेबर इंटेंसिव वर्सेस लेबर इंटेंसिव, तब बात बनती है. अदरवाइज बात नहीं बन सकती. अदरवाइज मेजर करने में और कंपेयर करने में आप गलती करेंगे. सही है. तो पहली क्या चीज देखी, मार्केट का नेचर क्या, नीश है या मास. दूसरी क्या चीज देखी, आपका फैक्टर इंटेंसिव कौन सा है, लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव. तो लेबर इंटेंसिव को लेबर इंटेंसिव के साथ कंपेयर करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव को कैपिटल इंटेंसिव के साथ कंपेयर करेंगे. बिल्कुल सिंपल सिंपल. तीसरी चीज, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन कितना. ठीक है, जिस दो कंपनीज को अगर आप बात करें, एक कंपनी कहती है जी मेरा मार्केट शेयर जी आई हैव बेसिकली मोर देन 50% मार्केट शेयर. क्या बात, बड़ी बात, जबरदस्त. ओके, और दूसरी कंपनी यार आई हैव जस्ट 10%. तो व्हिच कंपनी इज गुड. हम कहेंगे जाहिर से ज्यादा संजय 50% से ज्यादा वाली जो होगी वो अच्छी होगी. कहेंगे नहीं. क्यों, आपने देखना है मार्केट साइज. ठीक है, कि ओवरऑल मार्केट साइज है क्या. 500 लोग और एक कंपनी कहती है मेरे पास 250 एम्प्लॉई उसके कस्टमर्स. टोटल मार्केट में कितने लोग हैं, 500. सही है, और टोटल मार्केट में पॉपुलेशन कितनी है, 500. तो अगर 50% में लेता हूं तो 550% कितना होगा, 250. सही है. ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरा बिजनेस जो कहता है सर जी सिर्फ 10% है मार्जिन, 250 याद रखा, 250. सही है, और दूसरा वाला बिजनेस कहते हैं सर बस 10% मार्केट शेयर है हमारा, ज्यादा नहीं. अरे यार तुम तो छोटे बिजनेस हो यार, मार्केट में साइज कितने, सर ये 5 करोड़. 5 करोड़ का 10% इस 50 लाख. सही है, पहले वाले बिजनेस का मार्केट शेयर कितना था, 50%, और टोटल कस्टमर्स कितने थे, 250. इस कंपनी का दूसरी कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, सिर्फ 10%, क्योंकि ये बिजनेस साइज बहुत बड़ा. सो वी जस्ट कैन नॉट, फॉर एग्जाम्पल इसे सिंपल सी एग्जाम्पल, एक बच्चा अकेला पढ़ रहा है और कहता है मैं फर्स्ट आता हूं. तो भाई आप अकेले ही तो पढ़ते हो, आप उस टीचर के पास अकेले एक ही तो स्टूडेंट हो. अब अगर आप फर्स्ट आ रहे हो तो जाहिर से आप ही लास्ट भी हो, तो इसमें मारने के, इसमें इतने शशका मारने की जरूरत है.
मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे को एक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे आके कहता है कि सर मैं आपको पता है मैं लास्ट दफा भी आपके टेस्ट में फर्स्ट आया था, मैं इस बार भी फर्स्ट आया हूँ, सर मुझे काइंडली कोई रिवॉर्ड देंगे। बात सुनो, अकेले तो पढ़ते तुम, तुम ही फेल हो गए, तुम ही पास हो गए, अगर तुम पास भी हो गए तो फर्स्ट ही आओगे, सही है। तो ये जहन में रखना कि कॉम्पिटिशन जो है एंड पॉपुलेशन साइज, ये दोनों चीजें बेसिकली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट शेयर कितना है। ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा साइज बता अवेलेबल शेयर कम ही मिलेगा, और अगर कम मार्केट शेयर कम कॉम्पिटिशन होगा तो डेफिनेटली आपको मार्केट शेयर ज्यादा मिल रहा होगा, ठीक है। तो और दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी है इसके अंदर, मार्केट की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन यानी साइज ऑफ बिजनेस है क्या। सो ये टोटल मिला जुला के चार फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोगों ने ये देखना है कि पांचवा भी होता है वो अभी मैं बात डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन चलो मैं बात कर देता हूँ। पांचवा जो है फैक्टर दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कि आपका जो बिजनेस है उसकी टाइप क्या है, क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्या वो सोल ट्रेडर है, क्या वो पार्टनरशिप है, सही है, बिजनेस का टाइप क्या है। क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कल हमने आखिरी चीज लिखी थी, ये चीज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अवेलेबल हो सकती है, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए हो सकती है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हो सकती है। और हमेशा याद रखना कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मार्केट स्टॉक में स्टॉक मार्केट के अंदर उनका शेयर बिकता है, ठीक है ना, एंड दैट इज द रीजन वेयर यू कैन से कि उनकी हमेशा मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगी, क्योंकि उनका मार्केट शेयर उनका जो शेयर है वो ज्यादा नंबर ऑफ लोगों के पास होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास शेयर होते हैं लेकिन उनके सारे शेयर किसके साथ होते हैं, उन्हीं के ओनर्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ठीक है ना। सो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना कि हमारे पास टोटल मिला जुला के पांच फैक्टर्स बने। फैक्टर नंबर वन नेचर ऑफ द मार्केट, फैक्टर नंबर टू इंटेंसिव फैक्टर, सही है, नेचर नंबर, फैक्टर नंबर थ्री कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, नंबर फोर पॉपुलेशन ऑफ द मार्केट यानी मार्केट साइज ऑफ द मार्केट साइज, ठीक है, फाइव इज बेसिकली नेचर ऑफ द बिजनेस यानी टाइप ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कि आया वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। देयरफोर बिफोर मेजरिंग द साइज एंड कंपेयरिंग द आउटकम्स, बिफोर इवन थिंकिंग टू परफॉर्म द कंपैरेटिव एनालिसिस, पहले आपको छह फैक्टर्स ही देख ले, पहले ये पांच फैक्टर्स देख लें कि भाई पहले पांच फैक्टर्स मुझे बता दो ये दोनों के सेम हैं, दोनों नीश मार्केट में हैं, दोनों का कंपटीशन लेवल सेम है, दोनों का जो है वो बिजनेस जो लीगल स्टेटस है वो सेम है, ब्ला ब्ला, ठीक है। अगर तो सेम है फिर साइज ऑफ द बिजनेस को मेजर करके कंपेयर किया जा सकता है, अदरवाइज गए टाटा होगा, सही है। सो ये चीज ध्यान में रखो कि बिजनेसेस जब कभी भी अपने आप को मेजर कर रहे होते हैं तो इसमें ये पांच फ्लॉज जरूर आते हैं। अगर आपने ये फ्लॉज नहीं देखे होंगे या ये फैक्टर्स आपने कंसिडर नहीं किए होंगे, पांचों जो मैंने अभी आपको बताए, ये पांचों के पांचों फैक्टर्स जो है आपकी मेजर और देन असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस को गलत कर, ठीक है, या तो आपको एकदम से ऐसा दिखाएगा कि आपसे बेहतरीन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि भाई आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सोल ट्रेडर कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, तो यार जाहिर सी बात है पब्लिक का साइज बड़ा होता है भाई, आप एक ऐसे प्रोडक्ट एक ऐसी मार्केट के अंदर बैठे हो जहां पर मार्केट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और आप अपने आप को ऐसे कंपनी से कंपेयर कर रहे हो जहां पॉपुलेशन कम है, डोंट डू दिस, सही है। आप है लेबर इंटेंसिव और आप कंपेयर करें कैपिटल इंटेंसिव को, आप स्पीड को मीट ही नहीं कर पाएंगे, तो कभी या तो आप बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहे होंगे या आप बिल्कुल ही आउट परफॉर्म हो गए होंगे बाकी दूसरी कंपनी से कंपेयर करने में। इसका मतलब यह है कि मेजर करने में और परफॉर्मेंस असेस करने में मसला आ सकता है, and that is the reason why we first have to assess ke five factors must be same, theek hai, and then we see ke chalo panch factors ho gaye same, okay, ab hum baat karte hain unke factors ke upar ke kaun kaun se factors ab hum compare, acha tum bhi labor intensive main bhi labor intensive, ab batao tumhare paas kitne employees, 600 510 acha tum jeet gaye, acha main mass mein hu tum kis mein ho, mass mein ho, acha theek hai, ab batao sales revenue kitna hai, 4 crore 4.5 crore main jeet gaya, सही है, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा मार्केट शेयर कितना है, 12% 15%, सही है, अब उसमें बताओ कि तुम्हारे कंपटीशन कितने थे, हाँ तो तुम तो मेरे कंपटीशन में 20, ठीक है, कंपटीशन लेवल भी सेम है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 5 लाख, 5 लाख मेरी भी टोटल पॉपुलेशन जिसमें सेम है 12% बेच। सो
ये वो चीजें हैं जिनके लिहाज से, अच्छा तुम भी पब्लिक लिमिटेड में, अच्छा तुम भी प्राइवेट, मैं भी प्राइवेट, चलो ठीक है डन। लेकिन अगर वो पब्लिक और मैं प्राइवेट, सही है, तब थोड़ा सा कंपैरिजन मैस आउट होता हुआ लग रहा है। ठीक, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। तो अभी हम इस फैक्टर, इन फैक्टर्स को लिख लेते, सही है, और देन सी व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? नहीं, पेपर बुक में से नहीं आएगा, पेपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको आता है। यार ये क्या चीज बोल रही है यार, अच्छा मैंने वैसे बाय द वे आप लोगों से पूछा था कि अगर कोई मुझे हेल्प कर सके कि अब जैसे मैं पता चाह क्या रहा हूँ, मैं चाह ये रहा हूँ कि मेरे पास इस समय दो एंड्रॉयड, मुझे लैपटॉप से तो करना है, डेस्कटॉप से तो करना आता है, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। व्हाट आई थिंक, व्हाट आई वांट, कि अब जैसे ये स्क्रीन खुली हुई है ना, सो इस पर्टिकुलर एरिया में मैं नजर आ रहा हूँ, दैट्स मी, कैसे किया जाएगा? ये दो एंड्रॉइड डिवाइसेस के साथ की बात हो रही है, सही है, ये टैब वर्सेस, हाउ कैन आई डू इट? स्क्रीन शेयरिंग नॉट पॉसिबल, अगर मैं दोबारा दूसरी स्क्रीन से भी शेयर कर लूं, मतलब आई जस्ट रियली वांट कि जब मैं लिख रहा हूं तो मैं ओरिजिनली इधर इस पर्टिकुलर जगह पर मैं आपको दिख भी रहा हूं, ताकि अगर मैं कुछ समझा रहा हूं तो आई जस्ट लुक एट द कैमरा एंड आई जस्ट कैन डिस्कस इट। मेरा कॉन्टेक्ट आपसे मिटे नहीं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, हाउ कैन आई डू इट? लैपटॉप से डेस्कटॉप से पॉसिबल है, दो एंड्रॉइड डिवाइसेस कैन दे डू इट? ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, और आई एम स्टिल सर्चिंग, और यूट्यूब पे मुझे कोई सही चीज मिल भी नहीं रही। एनीहाउ, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी डिड यस्टरडे, और हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सब कुछ गिरा दो, सब कुछ गिरा दो, जो भी है सब मान लो। ठीक है, तो ओरिजिनली हमारा जो टॉपिक है इट रिमेन्स द सेम, अभी इसमें जो पहले हमने पढ़ा था फैक्टर्स, अब हम पढ़ेंगे इश्यूज। ठीक है,
लिखने जी। क्या ठीक है, लिख लिया। अच्छा अब ये चीज है, अच्छा प्लीज मुझे अगर कोई, ये मैंने जो आप लोगों से अपनी क्यूरी वो देखी है वो कि आई रियली वांट टू हैव अ बॉक्स ओवर हियर एंड दिस इज वेयर आई शुड बी लुकिंग, सही है? तो आई नीड माय वीडियो ओवर हियर, आई एम वेरी वीडियो। So, is it possible? A, is it possible with two Android devices? Or let's see. ठीक है जी। So सर शाजी वैसे ही कर दें। हाँ? मैथ्स वाले। सर शाजी से बना मैथ्स वाले। हाँ वो पता है वो कैसे करते हैं? वो करते हैं with laptop. सही है ना? Laptop से तो हो जाता है। Laptop से तो screen आ जाती है। उसका कोई मसला नहीं। लेकिन since I do not carry laptop with me, I carry tab and my mobile phone. So मैं जरा थोड़ा सा ना इस झंझट से निकलना चाहता हूँ कि I carry a laptop as well as so on and so forth. तो बस इस वजह से, otherwise जो laptop से अगर हो रहा होगा तो that is easily possible. क्योंकि मैं laptop से screen share करूँगा और फिर मैं tab पे आ जाऊँगा, तो उसमें मसला नहीं कोई भी, वो हो जाता है. तो मुझे चाहिए tab screens चाहिए, smartphone और tab उनके दरमियान में नहीं हरकत कर, ये चाह रहा हूँ मैं करना. अगर हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते, कच्ची तो होनी है, ऐसी बात सही है. चलो जी, अच्छा जी, दैट्स इट फॉर टुडे. और कल हम लोगों ने इंशाल्लाह जो है पता नहीं हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यार, मुझे कुछ बताया था उसने, क्या नाम है उसका, नहीं बिजनेस ऑब्जेक्टिव. और फिर मैं देखूंगा कुछ रह गया होगा तो फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को. तो बस वरना फिर हमारा जो यूनिट वन है वो भी कम्प्लीट हो गया, यानी कि वो तमाम तक चीजें जो हम लोगों ने मिड टर्म के लिए तैयार करनी थी वो सारा कोर्स हो जाएगा. एंड देन वी मूव ऑन टू द 12 मार्क वाले, 8 मार्क, 12 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क, सबकी अलग अलग आपको मैं वीडियो बनाकर मैं सेंड कर, 2 मार्क का क्वेश्चन ऐसे करना है, 3 मार्क का क्वेश्चन ऐसे करना है, 5 का ऐसे करना है, 8 का ऐसे करना है, 12 का ऐसे करना है, सब चीज ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. और 10,000 दफा देखो उसको,
सही है, दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट. चलिए जी, जाएं, एंजॉय करें, हैव फन. और अगर इफ समबडी कैन बी क्रैक दिस थिंग आउट तो प्लीज मुझे बता दें. जी बोले सर, जो एग्जांपल्स होती हैं वो हमें बिजनेस से देनी होती है, मतलब अगर नहीं आ रही है एग्जांपल तो फिर क्या करें? मतलब अगर एग्जांपल नहीं दे पा रहे तो एडवांटेज लिख दो. सर डिसएडवांटेज नहीं लिख सकता अगर एडवांटेज भी ना आ रहा हो तो? मतलब फिर लिखने की जरूरत ही क्या है? हाँ जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया, आपको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में कुछ पता ही नहीं तो क्या लिखोगे? तो आप उसका एडवांटेज तो नहीं लिखोगे, फिर आपको ये लिखोगे ना इससे क्या नुकसान होता है. तो यू जस्ट हैव टू लिटिल बिट लाइक एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं. ओके सर, ठीक है, थैंक यू. ठीक है, जाएं जी, एंजॉय करें, हैव फन, अल्लाह हाफिज़. या प्री रिकॉर्डेड में नहीं चाहिए ना, मुझे 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 लाइव में करना है. YouTube पे नहीं है, there's nothing on YouTube. मैं सर्च करके थक गया.